गुड मॉर्निंग पीपल, आई होप यू डूइंग वेरी वेल। आज ना मेरे मम्मा एक्चुअली सुबह सुबह डेरा बसी चले गए क्योंकि उनको कोरोना वायरस का अपना टेस्ट करवाना था। उनको ब्यास जाना है और ब्यास में जाने के लिए COVID-19 का टेस्ट कंपलसरी है, इसलिए वो डेरा बसी में एक हॉस्पिटल वहां पे चले गए। और इस वक्त बज रहे हैं 12, आई थिंक 12 से भी ऊपर ही हो रहा होगा टाइम, और मुझे भी डेरा बसी जाना है किसी काम की वजह से। अब वो काम क्या है वो मैं आप लोगों को बाद में बताती हूँ, बिकॉज आई एम गेटिंग लेट और मुझे फटाफट से ना रेडी होना है, जो को भी रेडी करना है और उसको खाना वाना भी खिलाना है। खाना खाना है? ले लो। सो आई एम ऑल रेडी एंड जो हमारा यहाँ पे सो रहा है जिसको अभी उठाना है और रेडी करना है। जो ओ कुंभकर्ण, ओए बेटा चल रेडी होना है, घूमी घूमी करने जाना है ना, चल। हेलो, हाँ जी सर, आ जाइए, ये लोकेशन पे आ जाइए। तो अभी कैब बुक हो चुकी है, तो जब तक कैब आती है तब तक हम बात करते हैं कि मैं आज डेरा बसी क्यों जा रही हूँ। तो आज मैं डेरा बसी इसलिए जा रही हूँ क्योंकि मेरी बकेट लिस्ट 2021 का एक और आइटम कंप्लीट होने जा रहा है। दो आइटम्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, चेक हो चुके हैं। एक तो था 100,000 सब्सक्राइबर्स मुझे यूट्यूब पे करने हैं, जो कि हो गया। एंड सेकेंड था मुझे डॉग मॉम बनना, क्योंकि मैं बहुत लंबे टाइम से ना मम्मी के पीछे पड़ी थी कि मम्मी मुझे एक डॉग चाहिए। मतलब मैं तो चाह रही थी कि एक स्ट्रीट डॉग को मैं अडॉप्ट करूँ, और मुझे डॉग मॉम हर हाल में बनना था। बट थैंकफुली मुझे रवि ने गिफ्ट कर दिया और बहुत ही प्यारा सा जो मुझे दे दिया, तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी। और आज मेरा जो थर्ड आइटम है वो क्या है, सो अभी मैं और जो ये देख सकते हो हम लोग कैब में बैठ गए हैं और निकल पड़े हैं डेरा बसी के लिए। तो मैं आप लोगों को बता रही थी अपनी बकेट लिस्ट 2021 की, जो मेरी बकेट लिस्ट है। मैं एक्चुअली ना हर साल अपनी एक बकेट लिस्ट बनाती हूँ और छोटी छोटी आइटम्स उसमें डालती हूँ, ज़्यादा बड़ी बड़ी नहीं होती है, छोटी छोटी होती है, क्योंकि जब वो कंप्लीट होती है ना तो एक दिल को अलग ही सुकून मिलता है और एंड इट्स वेरी गुड फॉर योर मेंटल हेल्थ ऑल्सो। तो वैसे ही मेरी ये बकेट लिस्ट है, उसमें बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, और जो आज मेरी उसकी थर्ड आइटम कम्प्लीट होने जा रही है वो ये है कि मैं आज जा रही हूँ अपनी ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करने के लिए, मुझे पता है आप लोग हंस रहे होंगे कि ये क्या होगी, तो छोटी सी बात है मुझे पता है, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे पास लाइसेंस नहीं है फोर व्हीलर का, क्योंकि मुझे फोर व्हीलर चलाने नहीं आता, मुझे सीखना भी है और या वेरी एक्साइटेड। क्या हुआ जोजो, ओए 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 ओए, डर क्यों रहा जोजो, मैं तेरे को कहीं छोड़ने थोड़ी ना जा रही हूँ, घूमी घूमी करने जा रहे हैं, क्या हुआ? मुझे लग रहा है जोजो डर रहा है किसी बात से, तो इसको लग रहा है कि कहीं मैं इसको कहीं वापस छोड़ने तो नहीं जा रही ना। जोजो तू तो मेरे पास ही है, मम्मा पास है ना, फिर डर किस बात का। हाँ जोजो मम्मा आ गई, ये देखो जोजो मम्मा वेट कर रहे, मम्मी जोजो को पकड़ो जल्दी जल्दी, हाथ से निकल रहा है। हो गया आपका? हाँ मेरा हो गया। कोरोना वायरस का टेस्ट था या वैक्सीनेशन था? नहीं नहीं, टेस्ट था मेरा, कोविड का टेस्ट था मेरा। कैसा हुआ, सही हो गया? अभी रिपोर्ट तो दो दिन के बाद आएगी, बच्ची है छोटा सा डॉगी है। मम्मी गाड़ी कौन चलाएगा, मैं या आप? ये जोजो की फर्स्ट राइड, ये जोजो कैसा लग रहा है? कैब में, कार में तो इसने काफी ज्यादा ट्रैवल किया है, लेकिन बाइक में ये फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहा है। जोजो तो ये है एक्चुअली डेरा बसी का ये RTO, तहसील, सारे ऑफिस यहाँ पर ही हैं, और अभी मुझे यहाँ पर जाना है अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए, अप्लाई करना है, और इसके बाद ऑब्वियसली एक महीने बाद मुझे वो ड्राइविंग टेस्ट के लिए बुलाएंगे। तो एक्चुअली मेरा ना ये बहुत ज़्यादा लंबे टाइम से पेंडिंग था ड्राइविंग लाइसेंस का, क्योंकि ऑब्वियसली एक मंथ के बाद आता है आपका ड्राइविंग टेस्ट का, तो मैं कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि एक महीने के लिए या फिर कुछ एक हफ्ते से ज़्यादा टाइम के लिए मैं यहाँ पर चंडीगढ़ में रुकी हूँ, जीरकपुर में रुकी हूँ, तो कभी मुझे ऐसा मौका मिल ही नहीं पाया लाइसेंस अप्लाई करने के लिए। तो फाइनली अभी क्योंकि मैं हूँ, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है और मैं यहाँ पर एक महीने तक रुक सकती हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपना ये काम भी निपटा लूँ। तो चलिए फिर अब जाती हूँ अपना लाइसेंस अप्लाई करने के लिए और फिर मिलती हूँ आपसे। जो यहाँ पर भी पूरा मस्त हो गया खेलने के लिए।
जो जो अंदर नहीं जाना बेटा किसी के पसंद आ गए। तो अभी मेरा 50% का काम हो गया, 50% अभी और बाकी है। कल मुझे उन्होंने फिर से बुलाया है फोटो के लिए और टेस्ट के लिए, क्योंकि वो उसका टाइमिंग जो है वो 10 से 12 ही है, तो मुझे कल फिर से आना पड़ेगा। तो चलिए अभी कुछ खा पी लेते हैं। मम्मी कुछ खा लें क्या? जूस पी लेते हैं, जूस, जोजो का जूस। पाइनएप्पल मम्मी या ऑरेंज, क्या कौन सा भी ले लो, मिक्स करवा लो। रोटी खा के आई है, उनके खाने में मुंह डाल दिया था। नहीं नहीं, उनके पैरों के पास घूम रहा था, फिर उसने एक टुकड़ा निकाल के दिया, मैंने बोला ये बड़ा है, मैंने इसको छोटा छोटा दिया, कहते रोटी खा लेते, मैंने कहा हाँ ये खा लेता है, फिर उन्होंने एक बड़ा टुकड़ा और दिया, मैंने बोला आप खाओ, ये खा के आया है, बहुत बड़ा भुक्खड़ है, तो बड़ा मर्जी खिला दो, कभी नहीं पेट भरता इसका। सच बताऊं तो यार सुबह से कुछ खाया पिया नहीं है, बहुत ज़्यादा भूख लगी है और सोच रहे हैं कि घर जाकर के अब कौन ही खाना बनाएगा, तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग यहीं पे खा लेते हैं। यहाँ पर एक काफ़ी फेमस ढाबा है, सेठी ढाबा जीरकपुर में, तो अभी हम लोग वहीं पे आए हैं और यहीं से हम लोग लंच करके अपना घर वापस जाएंगे। अरे वाह यार, काफ़ी अच्छा ढाबा है ये, मैंने तो सोचा था कि नॉर्मल सा ढाबा होगा, बट ये नया ओपन हुआ है और मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। मम्मा यहाँ पे बैठना है चारपाई पे कंफर्टेबल होके, चलो ठीक है यहीं बैठ जाओ फिर आराम से। जोजो के चक्कर में हम लोगों को अंदर से बाहर आना पड़ा, बेसिकली हमें बाहर निकाल दिया गया क्योंकि जोजो अंदर अलाउड नहीं है, तो अभी हम लोगों ने इसको यहाँ पर बांध दिया। जोजो जोजो कहाँ है, जोजो यहाँ पे खेली खेली कर ले, ठीक है। थोड़ी देर पहले हम लोग घर वापस आ गए थे और काफ़ी ज़्यादा थक गए थे, तो फिर हम लोग सो गए और अभी सो करके उठे हैं जस्ट। और सच बताऊँ तो यार मुझे ना वहाँ पर जहाँ पर सेठी ढाबा मैंने खाना खाया तो मुझे अच्छा नहीं लगा, एक तो उन्होंने काफ़ी रूडली हम लोगों को बोला और ऐसे बाहर निकाल दिया कि जो जो अलाउड नहीं है अंदर, मतलब प्यार से बोलते तो फिर भी ठीक था, बट उन्होंने काफ़ी ज़्यादा रूडली बोला तो मुझे अच्छा नहीं लगा, एकदम ऐसा कुत्ता करके कुत्ते अलाउड नहीं है, तो मुझे ये सुन करके बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। चलो ठीक है कोई बात नहीं, बट उसके बाद खाने की अगर मैं बात करूं तो यार खाना भी कुछ खास नहीं था, पता नहीं उसको खा करके मेरी तबीयत सी खराब हो गई, घर आई तो पेट दर्द सा हो रहा था मुझे और फिर वॉमिट जैसा भी फील हो रहा था, तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा, ठीक नहीं लगा, तो अभी जस्ट मैं इसलिए थोड़ा सा रेस्ट कर रही थी और रेस्ट करके अभी मैं उठी हूँ। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरी बकेट लिस्ट का जो थर्ड आइटम है, मतलब जो ड्राइविंग लाइसेंस में अप्लाई करने गई थी, तो वो काम पूरा तो नहीं अभी हुआ, 50% ही डन है, लेकिन मुझे कल फिर से जाना है वहां पर सेम जगह पर क्योंकि फोटो खिंचानी है और रिटर्न टेस्ट भी होने वाला है। तो बस फिर आज के ब्लॉग में इतना ही, और नेक्स्ट ब्लॉग में क्या होता है वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में ही देखने को मिलेगा। चलो फिर बाय बाय करती हूँ, बाय बाय।